सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रियलिस्टिक साउंड को गेम में डाल सकते हैं ट्रेन सिमुलेटर रेडबॉक्स में। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए दो फाइल, पहला है साउंड, दूसरा है रियलिस्टिक साउंड। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये था मेरा रियलिस्टिक साउंड, ये आपको खुद से रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद हमें ये साउंड फोल्डर चाहिए होगा, इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो ये MP3 फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हमें इसे वेव फॉर्मेट करना होगा, इसके लिए हमें गोल्ड वेव में जाना होगा। तो गोल्ड वेव में इसको हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको प्ले करके दिखाते हैं आपको। तो हम सीधे इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, सेव एज करेंगे, और ध्यान रहे MP3 की जगह आप वेव फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। एंड देखिए ये वेव फॉर्मेट आ गया। अब हमें सिर्फ ये दोनों का काम है। तो चलिए अब हमने गेम के फोल्डर में चलते हैं। ये रहा हमारा गेम और ये हम इसके डायरेक्टरी में चले आए हैं। फिर हम सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे जैसे जैसे करने वाले हैं वैसे वैसे फॉलो करिएगा। जिस जिस तरह से मैं फोल्डर बनाऊँगा सेम आपको उसी तरह कॉपी करना है। कुछ भी इधर उधर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। नाम आप भले चेंज कर सकते हैं बट वो चीज़ सेम ही रहना चाहिए। लोकेशन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस टाइम ये रहा इस तरह का लोकेशन रखी और मैं अभी रेल नेटवर्क में ये करने जा रहा हूँ। आप ऑडियो में भी कर सकते हैं। मैं अभी रेल नेटवर्क नाम का फोल्डर बनाया हूँ उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। फिर साउंड में जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, अपने जो भी नाम देना हो। या ध्यान रहे लोकेशन यही रहेगा, इतना होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम नया फोल्डर बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो साउंड है वो हम इसमें कॉपी करने वाले हैं, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं। तो ये देखिए इसको हम पूरा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं इसमें, और साथ ही साथ जो वेव फॉर्मेट वाली साउंड थी वो भी कॉपी करने वाले हैं। तो गाइस ये हमारा कॉपी हो चुका है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और फिर हम अपने एक सेकंड इसको फुल स्क्रीन कर दूँ। फिर हम इसमें अपने रेलवर्क्स की लोकेशन पर चले जाते हैं। फिर हमें ब्लू प्रिंट एडिटर में काम करना है, और ध्यान रहे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सोर्स में जो आपकी लोकेशन है वहाँ जाइए। मैं इस टाइम रेल नेटवर्क में किया हूँ, आप ऑडियो में भी कर सकते हैं। तो मैं रेल नेटवर्क में जाता हूँ और हम अपने फाइल, ये रहा हमारा ECR टेस्ट, ये रहा हमारी सारी फाइल। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि आगे का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे एम्बिएंट ऑडियो टेक्स्ट को। इसको ओपन करने के बाद साउंड में जाएंगे, साउंड के बाद रैंडम सैंपल साउंड, फिर इसको लूप पे क्लिक कर देंगे कि ये बार बार बजे। फिर इसके बाद सैंपल में जाने का है, फिर सैंपल लाइक हुड, फिर सैंपल, फिर फाइल का नेम। यहाँ पे आप अपनी अनाउंसमेंट की वेव फॉर्मेट देंगे, इसको आप पहले रिमूव कर दीजिए। और आपने जो कॉपी किया है अनाउंसमेंट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और कुछ नहीं छेड़ना है, बस उसको बैक कर देने का है। इसको फिर एक्सपोर्ट विद रेफरेंस कर देंगे और ये देखें यहाँ सक्सीड लिखेगा। बट वेट, हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी काम करना है। साउंड टेक्स्ट XML में जाइए, इसके बाद आप अपने हिसाब से इसका नेम दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे दीजिए अपने हिसाब से। ECR टेस्ट मैं दे रहा हूँ बाय द वे। एंड इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। सेम नाम आप यहाँ पर भी देना है, इसको कॉपी पेस्ट करिए। और आप डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, मैं दे ही देता हूँ। हालांकि कैटेगरी साउंड सिनेरियो में आपको चाहिए ये साउंड, तो यस कर दीजिए। साउंड कंपोनेंट में जाएंगे, फिर अब यहाँ पे एम्बिएंट ऑडियो टेक्स्ट की लोकेशन देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, ये गलत है, इसको हटाना होगा। हमारा ये वाला लोकेशन है, इसको हम करेंगे कॉपी और ये पूरा हटाएंगे
और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। इसके बाद ये एम्बियंट ही रहने देंगे इसको। एडिटर रेंडर कंपोनेंट में जाएंगे, उसके बाद प्राइमरी में, नहीं प्राइमरी में नहीं जाने का, सेकेंडरी में जाके IGRA साउंड ऑब्जेक्ट डॉट IGS ये वाला फॉर्मेट हम देने वाले हैं। इसका लोकेशन हम देंगे, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे ये पूरा हटा के यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। सेम नीचे भी करना है और बाकी कुछ नहीं छेड़ना है, इसको कुछ नहीं, ऐसे रहने देना। अब हमारा काम हो चुका है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है। तो देखिएगा इस X4 सक्सीड हो चुका है। चलिए हम एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हम प्ले कर रहे हैं प्रीव्यू, थोड़ा टाइम लेता है गाइस, तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए पहली बार आप लगाएंगे तो साउंड नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो हम सिंपली क्लोज करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको, फिर से एक बार आपको एक बार फिर से वापस क्लिक कर देना होगा प्रीव्यू पे, थोड़ा टाइम लेगा। और ये देखिए गाइस साउंड आपके सामने है। तो गाइस ये बहुत ही थोड़ा इजी स्टेप है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी है, वैसे कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी मैंने आपके लिए बताया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हम गेम को लगा के प्ले करते हैं फिर। तो चलिए गाइस मैं इसको अब रूट में लगा के दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। अब मैंने गेम ओपन कर दिया, प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ। ये गाइस ये मेरा रूट है, मैंने खुद बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने ले रखा है, आप इसे खेलोगे एक बार तो फिर बार बार याद करोगे। और थोड़ा लैग हो रहा है, एक सेकेंड रुकना, साउंड में आ जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट हमने नया बनाया था तो यहाँ पे नीचे कहीं होना चाहिए, एक सेकेंड हमें इसे लोड करना होगा यहाँ से। ऐसे करिए आप ECR, मैंने कहाँ किस में किया था, मैंने ECR में किया था, इसको ऐसे डबल चेक करिए। इसके बाद फिर से एक बार आइए, अब आपको दिख जाएगा, ये देखिए। तो देखा गाइस, देखिए गाइस तो गाइस वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए। और ये मेरा रियलिस्टिक रूट है, इसको खेलना मैं भूल गया, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसे ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।